जो भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी आज से शुरू हो रही है कांग्रेस की, उसको राहुल गांधी किस तरह से लीड करेंगे, ये यात्रा किस मकसद से हो रही है, इसका मकसद पार्टी को जोड़ना है या वाकई भारत में इतनी टूट है कि उसको जोड़ने के लिए एक बड़ी और व्यापक 150 दिनों की यात्रा की जरूरत पड़े। और जो सवाल बीजेपी उठा रही है कि ये तो चुनावी वक्त में हिंदुत्व जागता है तब राहुल गांधी मंदिर मंदिर जाने की कोशिश करते हैं, इस पर हिमंता बिस्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं वो ये सवाल उठा रहे हैं कि ये यात्रा तो दरअसल पाकिस्तान में निकलनी चाहिए थी। जरा सुनिए। भारत तो डिवाइड हो गया 1947 में, अगर भारत जोड़ो यात्रा करना है तो राहुल गांधी को ये यात्रा पाकिस्तान में करना चाहिए। भारत में यात्रा करने से क्या फायदा होगा, भारत तो जुड़ा हुआ है, खंडित क्या हुआ, पाकिस्तान ही खंडित हुआ। तो इसीलिए मैं राहुल गांधी को सलाह देता हूं कि भारत आप पाकिस्तान। ये अपने किचन से ही क्लाउड किचन का कारोबार करते हैं, दिन में 4-5 घंटे ज्यादा काम करते हैं, हर महीने 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मैं लेके जाइए। राष्ट्र विरोधी लोग हैं ये सबके सब, इनसे राष्ट्र से न सोनिया गांधी का जन्म भारत में हुआ, न राहुल गांधी का जन्म हुआ, न क्या नाम क्या है नाम इसका प्रियंका, इन सबका जन्म भारत में, देश से कोई मतलब नहीं इन लोगों से है, बिल्कुल गलत है, ये स्वार्थी हैं, स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो ये आरोप कमल नयन दास महाराज भी लगा रहे हैं और बीजेपी ये कह रही थी कि ये चुनावी हिंदू है। अब हम अभय दुबे जी के पास चलते हैं। अभय दुबे जी, ये देखिए कुछ तस्वीरें भी आपको देखनी चाहिए, अलग अलग वक्त पर जब राहुल गांधी ने अलग अलग मंदिरों में जाकर प्रार्थना की, दर्शन किए, पूजा की, उस वक्त की ये तस्वीर अलग अलग तारीख के साथ हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अभय दुबे जी, ये सवाल है कि आप कह रहे हैं कि यात्रा गैर राजनीतिक है तो थोड़ा सा गैर धार्मिक भी रख लेते, आसानी हो जाती, ये विरोधियों को निशाना नहीं साधने का मौका मिलता। देखिए, मैं पहले सनातन संत कमल नयन दास जी को कहना चाहता हूँ कि हमारे सनातन हिंदू धर्म में इस बात का उल्लेख है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 3rd अध्याय में कहा है, श्यान स्वधर्मो विगुण पर धर्मो स्वनुष्ठितात्, अर्थात उस समय भी धर्म के सह अस्तित्व को भारतीय सनातन धर्म मानता था। तो ये कहना कि गैर राजनीतिक नहीं है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि 22 अगस्त को देश के 200 सामाजिक संगठन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इकट्ठा हुए, वो देवनूरा महादेव हो, अरुणा राय हो, सैयद हामिद हो, पीवी राजगोपाल हो, योगेंद्र यादव हो, और सभी लोगों ने इस यात्रा को समर्थन देने का बात कही। अब मैं बताना चाहता हूँ, बार बार भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि ये कोविड की महामारी की वजह से परिस्थितियां पैदा हुई, तो ऐसा नहीं है। कोविड के क्राइसिस के पहले एनएसएसओ ने ये रिपोर्ट दी कि 70 साल में पहली बार हुआ है कि रूरल कंजम्पशन हिंदुस्तान का 580 रुपए सबसे कम हो गया। एनएसएसओ ने ये रिपोर्ट दी कि 45 वर्ष की भीषणतम बेरोजगारी है, उसके बाद बताया कि किसानों की आमदनी 27 रुपए रह गई, लगातार 8 क्वार्टर तक हमारी ग्रोथ रेट नीचे जा रही थी हिंदुस्तान की। 3.5 करोड़ उज्ज्वला बहनों ने अपने गैस के सिलेंडर, प्रधानमंत्री कहते थे कि उनकी धुएं से उनके लंग्स खराब होते हैं साथियों, 3.5 करोड़ उज्ज्वला बहनों ने फिर से चूल्हा फूकना प्रारंभ कर दिया है। 27 लाख करोड़ रुपए पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर टैक्स लगाकर इन्होंने अर्जित की। ये कहते थे 2017 में कि डायनामिक फ्यूल प्राइसिंग पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, विश्व की सबसे अच्छी। धर्मेंद्र प्रधान से पूछा गया कि क्या है ये नीति, तो उन्होंने कहा कि जब भी इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे तो हिंदुस्तान के नागरिकों पर उसका बर्डन नहीं आएगा, और जब कम होंगे तो हम ट्रांसफर कर देंगे। $20 पर बैरल तक गया मगर वो ट्रांसफर नहीं किए। तो ऐसी सारी सामाजिक विषमताओं को लेकर हम सरकार को भी प्रशस्त मार्ग देना चाहते हैं, ठीक है, ये दायित्व नहीं, लेकिन दिया है। लेकिन अभय दुबे, फिर आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया कि अगर यात्रा आप गैर धार्मिक भी रखते हैं, आपने बता दिया कि सामाजिक संगठन आए हैं और सामाजिक संगठनों ने यह तय किया कि राहुल गांधी वो चेहरा है जो इस सामाजिक यात्रा को आगे निकाल सकते हैं। राम मोहन जी, अधर्मी सत्ता को अगर सही राह पर लेकर आना है तो धर्म के प्रशस्त मार्ग पर चलना ही होगा हमें। और धर्म क्या है, हमने कहा कि सभी धर्मों को साथ लेकर, सिर्फ ऐसा नहीं है कि हिंदू धार्मिक, जितने भी धर्मावलंबी भी साथ में होंगे, धार्मिक स्थलों पर भी हम आशीष लेंगे। तो ये समूची कायनात से हम आशीष लेकर ये बात कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान को हम जो भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, पहनावे के आधार पर, खान पान के आधार पर तोड़ने की कुचेष्टा की जा रही है, हम उसको जोड़ना चाहते हैं और सभी लोग उसमें साथ आए।
नेहा बग्गा जी। राहुल गांधी जो है वो चुनावी हिंदू है। ये राहुल गांधी केवल नहीं है, ये गांधी नेहरू परिवार का इतिहास कुछ इसी प्रकार का है। आप याद करिए कि जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे और उस समय सऊदी के राजा साउद बिन अब्दुल अजीज आए थे और वो काशी की यात्रा पे थे, तो उन्हें इतनी शर्म आई जवाहरलाल नेहरू जी को कि उन्होंने वहां के जितने मंदिर थे उनको ढकवाने का काम किया। आप सोमनाथ में जब राजेंद्र प्रसाद जा रहे थे तो आप याद करिए कि उसका लाइव टेलीकास्ट जवाहरलाल नेहरू ने रुकवा दिया था। इंदिरा गांधी ने जिस तरीके से नरसिंहार किया और गौ सेवकों को गौ भक्तों को हत्या करने का काम किया, वो इतिहास भी हमारे सामने है। राजीव गांधी ने जो रोड़े अटकाए श्री राम जन्मभूमि के लिए, वो हमारे सामने है। आप सोनिया गांधी पे आ जाइए तो वो हलफनामा लगवा रही थी और कह रही थी कि राम डज नॉट एग्जिस्ट। उस समय आपको याद होगा कि बार बार कपिल सिब्बल कोर्ट में खड़े होकर कहते थे कि ये जो राम मंदिर की जो पूरी कोर्ट की प्रक्रिया है उसको किसी तरीके से रोक देना चाहिए। मैंने पूर्व में भी आपसे कहा कि राहुल गांधी विदेश की धरती पर जाते हैं और वहां जाकर कहते हैं कि यहाँ पर देश में आतंकवादियों से नहीं हिंदू से खतरा है। तो ये गांधी नेहरू परिवार का इतिहास है कि किस तरीके से इन्होंने हिंदुओं को हमेशा नीचा दिखाने का काम किया है, अपमानित करने का काम किया है। और क्योंकि ये मध्य प्रदेश की बात जिक्र इसमें आया है तो मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में जिस शख्स को कांग्रेस पार्टी ने इसकी पूरी जिम्मेदारी दी है वो श्री श्री दिग्विजय सिंह जी हैं। और ये वही दिग्विजय सिंह है जो हिंदुओं को आतंकवादी, हिंदू टेररिज्म की टर्मिनोलॉजी गढ़ने में लगे हुए थे। तो इनका इतिहास बहुत पुराना है और इसीलिए एंटनी कमेटी की रिपोर्ट को शायद याद रखिए। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का पतन हो रहा है, इनके नेता लगातार छोड़कर जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी अपना अपनी पार्टी बचाने के लिए, बेटा बचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा का नाम लेकर बाहर निकली है। ठीक है, तो ये अभय दुबे ये आरोप लगा रही है नेहा बग्गा कि ये पुरानी बातें हैं और उनको सबको जोड़ेंगे तो यही समझ में आएगा कि ये केवल भ्रम फैलाने के लिए मंदिरों में जाते हैं। देखिए राम जी, पहली बात मैं कहना चाहता हूं कि ये परिवार नहीं है गांधी नेहरू, ये परंपरा है त्याग और बलिदान की। अपने प्राणों को आहूत करके भारत की एकता और अखंडता के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान दिया। ये वंश नहीं, विचारधारा है प्रगति समृद्धि और भारत के उत्थान की। भारतीय जनता पार्टी जितनी भी नफरत, नकारात्मकता, निराशा की बातें करे, कांग्रेस पार्टी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, एक बहुत ओजस्वी वक्ता है हमारी नेहा बग्गा जी, कि रियाज अटारी आतंकी जो कन्हैया की हत्या करता है वो किस राजनीतिक दल का सदस्य था? तालिब हुसैन जिसको जम्मू कश्मीर में गाँव वालों ने आतंकी पकड़ा, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निकला, सदस्यता थी उसकी। अहमद मीर भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा का चुनाव लड़ाया, वो पाकिस्तान से ड्रोन से हथियार सप्लाई करते हुए जम्मू कश्मीर में पकड़ा गया। सैफुल्ला फारूक जो अजहर मसूद का शिष्य था, जिसने एक साल पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली, उसको वार्ड नंबर 33 पंडितों की हत्या के लिए 10 साल जेल में रहा, जेल से छूटने के बाद वार्ड नंबर 33 से टिकट दिया। तो ये क्या था? तो आप जो ये सारा कर रहे हैं, क्या ये सद्भाव है? मैं पूछना चाहता हूं, चलिए मध्य प्रदेश की बात करें तो भगवान राम के जो राम पथ वन गमन था, जहां 11 वर्ष भगवान ने इस अलौकिक भूमि पर दिए काटे वनवास के, वहां पर सिद्धा पर्वत जो है उसको आप नेस्तनाबूत करना चाहते हैं। 2007 में कहते हैं राम पथ वन गमन, निर्माण आप देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर में पंडितों का नृशंस हत्या की जाती है, देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते, पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है एक शब्द नहीं बोलते, बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया जाता है एक शब्द ये नहीं बोलते। कहते थे एनआरसी लेकर आएंगे हम देश में जो मुस्लिम है, जो जोड़ने निकले हैं, भाई दुबे मैं नेहा जी के पास जाऊंगा, लेकिन जो जोड़ने निकले हैं वो भी तो इन विषयों पर कुछ नहीं बोलते, वो बोलते हैं। राम जी, एक सेकंड, एक आखिरी 10 सेकंड दीजिए। देखिए, हम क्या कांग्रेस पार्टी हिंदुओं को नकार कर इस देश में सार्वजनिक जीवन को व्यतीत कर सकती है? नहीं, लेकिन हम सिर्फ सद्भाव की बात करते हैं। हम कहते हैं कि जो सभी धर्म के लोग यहाँ रहते हैं आबाद रूप से अपने धर्म को मानने की आजादी है। रिप्लाई करेंगे नेहा बग्गा। नहीं, देखिए देखिए राम जी, इन्होंने एक बार भी जो मैंने तथ्य सामने रखे उस पर कुछ नहीं कहा। मुझे बताइए कि जवाहरलाल नेहरू ने सोमनाथ का टेलीकास्ट रोका था कि नहीं रोका था? सऊदी के जब राजा आए थे तो मंदिरों को काशी में ढकवाने का काम किया था कि नहीं किया था? सोनिया गांधी ने राम डज नॉट एग्जिस्ट का हलफनामा लगाया था कि नहीं लगाया था? और जिस सिद्धा पर्वत की आप बात कर रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री ने सामने आके कहा है कि ये हमारा इतिहास है, ये हमारा गौरव है, ये हमारी परंपरा है, इसके साथ छेड़खानी नहीं होगी। तो कांग्रेस पार्टी का ये जो टूल किट एजेंडा चलता है ये देश की जनता बहुत अच्छे से जानती है।
और देश की जनता ये भी जानती है कि कांग्रेस पार्टी आज अगर बाहर निकली है, राहुल गांधी अगर आज बाहर निकले हैं और उन्हें मंदिर मंदिर जाना पड़ रहा है या इस प्रकार की यात्रा करनी पड़ रही है, तो वो सिर्फ इसलिए है कि जो भ्रष्टाचारी परिवार जो गांधी नाम को अपने साथ लेकर चलता है और उनकी विचारधारा से इनका कोई लेना देना नहीं है, वो अपने आप को बचाने के लिए निकली, अपने बेटे को बचाने के लिए निकली, अपने परिवार अपने वंश को बचाने के लिए निकली है। अभय दुबे, देखिए 5,35,000 करोड़ रुपए के जो बैंक फ्रॉस्टर्स थे वो हिंदुस्तान को भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की सरपरस्ती में एक के बाद एक भगाया गया। मेहुल भाई, नीरव भाई, संदेसरा बंधु, ऋषि अग्रवाल, अभी बैंक इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोर्ट में क्या हो रहा है, 5,00,000 करोड़ रुपए के हेयर कट आपने दिए 99 पर, हर्ष गोयन का ट्वीट कर रहे हैं पीएमओ को, तो ये क्या सब सदाचार है? मैं ये पूछना चाहता हूं कि राम सेतु को लेकर सबसे पहले किसने उद्घोषणा की? अटल बिहारी वाजपेयी ने तमिलनाडु में, उन्होंने कहा अन्ना के स्वप्न को साकार करने आया हूं मैं, ये तोड़ कर रहूंगा। इतना ही नहीं, बजट 2000-2001 में बजटरी प्रोविजन इन्होंने किया राम सेतु को तोड़ने का। अब आ जाइए, इनके संस्कृति मंत्री क्या कहते थे शर्मा जी, कि माता सीता के होने के ऐतिहासिक प्रमाण नहीं, लेकिन हम इस राजनीतिक प्रतिशोध में नहीं जाना चाहते। मैं ये मानता हूं कि कोई भी राजनीतिक दल हमारे सनातन धर्म के प्रति आस्था रखता है, लेकिन ये सिर्फ राजनीति से, ये सत्ताधारी हिंदुओं का काम है जो हिंदुओं की पीठ पर पैर रखकर प्रदीप कौशल का भोग करना चाहते हैं। प्रदीप कौशल जी के पास चलता हूं। प्रदीप कौशल जी, क्या समाप्त कीजिए, क्या क्या जिन बातों पर बात हो रही है भारत जोड़ो में, असल में बात उसी पर होकर जाएगी कि ये जो आर्थिक असमानता है उसको खत्म करना है? आर्थिक असमानता क्या उन राज्यों में अलग से नहीं है जैसे राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, या इससे पहले का जो कार्यकाल रहा मनमोहन सिंह का, जिसमें महंगाई की बात होती है तो सबसे ज्यादा महंगाई दर की अगर बात होती है तो महंगाई दर उस टेन्योर में आप देखेंगे जो यूपीए 2 का कार्यकाल था। क्या आपको लगता है कि ये सारी जो असमानता है ये इसलिए नजर आती है कि आप 10 साल से सत्ता से बाहर हैं? पहले तो इस विषय पर आने से पहले जो आपने उठाया है, मैं एक बात कहनी आवश्यक समझता हूँ। अभय जी जैसे उल्लेख कर रहे थे कि जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू हैं उनके विषय में प्रधानमंत्री कभी टिप्पणी क्यों नहीं करते हैं, उनका जो दमन है, उनके ऊपर जो अत्याचार है वहाँ पर, उसका उल्लेख क्यों नहीं होता है, उस विषय को क्यों नहीं उठाते हैं? तो इसमें देखिए, ये थोड़ा जटिल विषय है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में आपकी सीमाएं रहती हैं और प्रधानमंत्री किसी देश के भीतर की जो घटनाएं हैं उसके ऊपर टिप्पणी करें तो उससे और समस्याएं खड़ी होती हैं। और खाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं, कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया जी भी इस विषय में नहीं बोलती हैं, क्योंकि बड़े नेता समझते हैं कि उसका एक अलग फिर इम्प्लिकेशन है, उसके अपने परिणाम हैं जो कि थोड़ा संभल कर आपको उस पर बोलने की आवश्यकता है। अब रही बात आर्थिक विषमताओं की, देखिए विपक्ष का काम है सरकार की आलोचना करना, सरकार की कमियों को उजागर करना, उसके लिए यात्रा निकाल रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम है। और अगर आप देखें उससे पहले जैसे चंद्रशेखर जी ने की थी पदयात्रा, तो उसका परिणाम जो था वो ये हुआ था, जब तक यात्रा अंतिम चरण में पहुंची थी तब तक उनका व्यक्तित्व तो बड़ा उभर गया था, बहुत बिल्कुल। और क्या क्या वो परिणाम राहुल गांधी को भी प्राप्त होगा? जी, कोशिश जी। तो कम से कम कांग्रेस पार्टी यही कर रही है और यही वजह है कि बीजेपी भी आक्रामकता के साथ इस पर आघात करने की कोशिश कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। ये अपने किचन से ही क्लाउड किचन का कारोबार करते हैं, दिन में 4-5 घंटे ज्यादा काम करते हैं, हर महीने 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।